योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा आप कुछ मिले चलते हैं। वहाँ कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा था, वहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उसको हम लोगों ने पर्यटक के रूप में विकसित करते हुए वहाँ भी हेलीपैड स्थल नया बनाने का काम किया और वहाँ भी पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, उसका निर्णय माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। हेलीपोर्ट कोई भी कहीं भी कोई भी प्राइवेट किसी सेक्टर में 14 प्रस्ताव हुए, कुल 14 प्रस्ताव हुए। चौथा हम लोगों का है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, हमारी अपनी राजकीय संस्था है हमारी पर्यटन विभाग की, अब तक हम लोग अपनी जितने भी पर्यटन के विषय जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कराते थे वो कोई अन्य संस्थाओं के द्वारा कराते थे, जब हमारे पास इसके लिए टेक्निकल स्टाफ और सारे पद स्वीकृत हैं, तो हम लोगों ने आज 10 करोड़ तक के कार्य अपने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको कार्यदायी संस्था का सहमति अनुमति उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। ये 4 निर्णय पर्यटन विभाग के माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज की इस प्रस्ताव वार्ता में आप सबका स्वागत है। एक लोक निर्माण विभाग के द्वारा पुखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग, जो राजमार्ग 46 के रूप में जाना जाता है, इसका 4 लेन उच्चीकरण अनुरक्षण सार्वजनिक निजी सहभागिता से कराने का वित्तीय प्रस्ताव आज स्वीकृत हुआ है। ये आपको बता दें कि वर्तमान में इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर है और ये 2 लेन का विद पेव्ड शोल्डर 10 मीटर चौड़ाई स्तर का जो प्रस्तावित हुआ है, इसमें NH2, NH25, NH86 को ये क्रॉस करता है। इसकी टोटल परियोजना की जो कास्ट है वो 1136.45 करोड़ रुपए है, जो PPP मॉडल के ऊपर बनाया जाएगा। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें एक विशेष बात कोट करने वाली यह है कि जो भी ये फीस रियलाइज करेंगे उसमें 1% सरकार को भी मिलेगा। ये खास बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कुल इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर और साथ साथ 1136.45 करोड़ रुपए का इसमें निजी निवेश प्रस्तावित है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पास हुए। 4 प्रस्तावों के बारे में हमारे आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने और लोक निर्माण विभाग की जो महत्वपूर्ण एक परियोजना थी उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खन्ना जी ने पूरा आपको बताया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे सामने था, एक विषय लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है NCDC को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निशुल्क जमीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निशुल्क जमीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है, ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का
इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफ़ी समय से मुकदमेबाजी हो रही, आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बांट बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में हमारे पास जो KGMU है वहाँ पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे, उनको ध्वस्तीकरण के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे, और कैबिनेट में आने के कारण ध्वस्तीकरण के साथ साथ जो उसकी कुल मूल्य था उसको ध्वस्तीकरण के बाद जो नीलामी में धनराशि आएगी उसको शेष धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और अगला विषय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का ही था, ग्रेटर नोएडा में हमारे पास राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको चिकित्सा अनुभाग चलाता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है, और इसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी वो हमारे पास मिल गई थी, उसमें हॉस्पिटल हम रन कर रहे हैं, और उसके पास में हमको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के लिए जगह किराए पर ले रखी है बिल्डिंग, पास में ही लगभग 56 एकड़ लैंड खाली पड़ी थी जिसको खरीदने का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमने लिया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें इसका भुगतान करिए, उनके पास इस भुगतान के लिए 414.05 करोड़ रुपए का था प्रस्ताव, जबकि राजस्व विभाग का कहना था कि 720.33 करोड़ रुपए अथॉरिटी पर अभी हमारे बाकी हैं सरकार के, क्योंकि जो जमीन एक्वायर हुई थी किसानों को तो भुगतान कर दिया गया था उस समय, लेकिन ग्राम समाज की जो जमीन थी वो अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भुगतान नहीं किया था, उसमें समायोजित करने के लिए प्रस्ताव आया था, तो निःशुल्क जो है ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जो 56 एकड़ लैंड है उसको देने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के बारे में अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, गोपन अनुभाग में एक विशेष काम था ये कि अभी तक आप देखते थे कि जो पदनाम था पहले अनुसचिव, उप सचिव, फिर धीरे धीरे सचिव हुआ, फिर प्रमुख सचिव हुआ, अब वहाँ पर अपर मुख्य सचिव का पद भी है और उस पर काफ़ी समय से लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अपर मुख्य सचिव जो है वो गोपन अनुभाग ने आज प्रस्ताव दिया, उस पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा होमगार्ड्स अनुभाग में, होमगार्ड के जो पहले जो हमारे अधिकारी हैं उनको इंसास राइफलें दी जा चुकी हैं, ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों को पिस्टल दी गई थी और अभी 153 पिस्टल को खरीदने का प्रस्ताव होमगार्ड अनुभाग ने दिया अधिकारियों को देने के लिए, उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो न्यायिक सेवा नियमावली है अभी तक इसमें विकलांगों का कोटा तय नहीं था, अब सभी जो हमारे आरक्षण है उसके साथ साथ दिव्यांगों को भी इसमें 4% दे दिया गया है। इसके अलावा चीनी उद्योग का है वो तो नहीं, अभी इसमें कैबिनेट नहीं, लेकिन उसमें जल्दी हम आपके समक्ष आएंगे, आपको बताएं। नहीं, 14 हो गए, नहीं तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कैबिनेट में भी आने की आवश्यकता नहीं, अभी कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव आए उस पर हमने आपके समक्ष पूरी तरह से बताया है, और जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे हम बताते रहेंगे, सरकार पूरी तरह से सजग है, आपके मनोभावों को हम समझ रहे हैं और हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई NXC में, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ये लोग मीडिया को बता रहे थे कि क्या निर्णय लिए गए। कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए, लोक निर्माण विभाग का भी प्रस्ताव पास है, इसके अलावा 4 विभाग पर्यटन विभाग के भी प्रस्ताव पास किए गए हैं, कुल 14 प्रस्ताव पास किए हैं कैबिनेट की बैठक में, और उनके बारे में उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी मीडिया को जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पास किए गए हैं, लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों पर भर्ती होगी अब, और इसके अलावा पर्यटन विभाग के भी 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं, आगरा मथुरा प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण होगा, इसका प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट बैठक में पास हुआ है। ये जो 14 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें जो बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में पास, लोक निर्माण विभाग के भी प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में पास, लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती होगी यह भी स्पष्ट हुआ है, हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा शहरों में यह भी स्पष्ट हुआ है,
योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है जो अभी इलेक्शन हुई, और कुल 14 प्रस्ताव इसमें पास किए गए, और इन प्रस्तावों के बारे में जो पास किए गए खुद बताया मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, और इसके अलावा वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव भी कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए हैं। बताया ये गया कि 4 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं, और लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों पर भी भर्ती होगी, इस संबंध का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण होगा, इसके बारे में भी स्पष्ट किया गया, ये प्रस्ताव भी पास हो गया है कैबिनेट की बैठक में। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं, लखनऊ इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। अनुभव, हमने आपका सवाल भी सुना और आपके सवाल के उत्तर में हमने उप मुख्यमंत्री का उत्तर भी सुना कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है, सभी की भावनाओं का ध्यान रखकर फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन जो 14 फैसले लिए गए हैं, 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रस्ताव क्या था? देखिए, अगर आप देखिए तो 14 जो प्रस्ताव हैं उसमें पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव हैं, लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है, इसके अलावा आप देखिए गोपन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, और ऐसे प्रस्ताव हैं जहां पर कहीं पे किसी नई योजना को या तो स्वीकृति मिली है या फिर कहीं जो अगर हम कहें तो जो संशोधन होता है नियमावली में वो संशोधन किया गया है। लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि जो लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, जैसे किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, तो वो आज ही कैबिनेट में अभी वो प्रस्ताव नहीं लाया गया। हाँ, हमने ज़रूर पूछा कि किसानों को कब बिजली मुफ्त मिलेगी सिंचाई के लिए, तो आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये भी प्रस्ताव आएगा, पर आज की बैठक में वो नहीं आया। दूसरा, आप देखिए पर्यटन से जुड़े जो 4 प्रस्ताव हैं उसमें ये है कि हेलीपोर्ट जो 3 शहर हैं वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत वो बनाए जाएंगे और इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा, तो वो एक प्रस्ताव है। इसके अलावा जो लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान है वहाँ पर भी एक जगह खाली पड़ी हुई लंबे समय से, तो उसको भी डेवलप किया जाएगा और वो पर्यटन विभाग को वो सौंपा जाएगा ताकि वो उसको अपने तरीके से डेवलप कर सके। लोक निर्माण विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव था जो बहुत दिनों से एक परियोजना अटकी हुई थी, तो उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, जो लैब असिस्टेंट होते हैं, 25% का कोटा जो है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया है। साथ ही साथ जो न्यायिक सेवा होती है उसमें 4% जो कोटा है, जो आरक्षण है, वो दिव्यांगजनों के लिए भी अब दे दिया है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसका फायदा जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो अगर हम क्या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फायदेमंद है। पर अगर हम देखें तो सीधा जनता से जुड़ा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिससे हम कहें कि सीधा इसका फैसला, आज जो बैठक हुई इस फैसले का जो फायदा है वो लोगों को मिलने लगेगा। जैसे 60 वर्ष से उम्र की जो अधिक की महिलाएं हैं उनके लिए ये कहा था कि हम उनको परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा वो कर सकेंगे, आज भी वो प्रस्ताव अभी आया नहीं है। हमने ज़रूर पूछा पर ये कहा गया कि वो प्रस्ताव जल्द आएगा, आज वो प्रस्ताव अभी फिलहाल नहीं आया। हाँ, 14 प्रस्ताव जरूर आए जिससे कि कुछ नियम है, देखिए कई बार क्या होता है कि विभाग में नियम तो बन जाते हैं जी, पर उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अड़चन आती है, तो उसके लिए फिर संशोधन होता है, नियमावली में संशोधन होता है और वो भी कैबिनेट में ही होता है। तो आज उससे जुड़े 2 ऐसे प्रस्ताव हमें नजर आ रहे हैं जो नियमावली में संशोधन किया गया है, यानी काम आसान हो उस विभाग में, उससे जुड़ा हुआ जो काम है वो आसानी से हो सके, इसीलिए वो जो संशोधन है उसको मंजूरी दी है। इसी तरह जो गोपन विभाग है उसमें क्या है कि जो रैंक होती है अफसरों की, अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए अपर मुख्य सचिव स्तर के भी अफसर हैं जी, तो उस रैंक को भी मंजूरी मिली, हालांकि लंबे समय से जो अफसर है वो इस रैंक पर काम कर रहे थे, पर उसकी जो नियमावली थी उसमें भी संशोधन को मंजूरी मिली है। अनुभव, 4 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पास किए गए, कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए और उनमें से 4 पर्यटन विभाग के ही प्रस्ताव थे, और एक आप हेलीपोर्ट की बात कह रहे हैं जो अन्य शहरों में बनाया जाएगा, आगरा, मथुरा, प्रयागराज जैसे शहरों में, तो क्या ये भी पर्यटन विभाग का ही प्रस्ताव है, और किस प्रकार से ये पर्यटन के क्षेत्र में जो है अपना योगदान देगा या उसको प्रोत्साहित करेगा, ये स्पष्ट करें। देखिए बिल्कुल, ये जो 3 शहर आपने बताया ये भी पर्यटन विभाग का ही प्रस्ताव है, हेलीपोर्ट बनाएंगे वहाँ पर, इसलिए कि अगर कोई अपने प्राइवेट जेट से या प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आता है तो फिर वो उस जगह को किराए पर लेगा और वहाँ पर उसको लैंडिंग की और हम कहें तो उसकी सुविधा मिलेगी, तो इस तरीके से वो वहाँ पर आ पाएगा, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सरकार का फोकस क्या है,
चाहे आगरा हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, कैसे इनको एक धार्मिक पर्यटन के साथ साथ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाया जाए। और तमाम जगहों से पर्यटक आते हैं, आगरा में तो आते ही आप देखिए, विदेशी जो पर्यटक है सबसे ज़्यादा अगर फुटफॉल उनका कहीं है तो वो आगरा में। इसीलिए ये जो हेलीपोर्ट की सेवा है इसको शुरू किया जा रहा। मान लीजिए किसी को अपना प्राइवेट जेट से आना है या फिर हेलीकॉप्टर से आना है, तो फिर वो उस जगह को किराए पर लेगा, वहाँ वो अपना हेलीकॉप्टर, उसका हम कहें तो उसका टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए वो व्यवस्था वहाँ रहेगी। तो इससे कहीं ना कहीं आमदनी होगी पर्यटन विभाग की और एक आय का नया जरिया जो है वो खुलेगा।